हेलो एंड वेलकम टू विलियाना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी ईपेंजा स्कूल वेब पोर्टल पर। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जो स्टूडेंट डाटा है उसको आपने कैसे फेच करना है फ्रॉम अनदर स्कूल। तो ये मॉड्यूल आपका जो है वो बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है, तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने जो स्टूडेंट डाटा है उसको आपने कैसे फेच करना है, इवन कि जब आप उसमें ऐड स्टूडेंट पे जाते हो तो वहाँ से भी आप उसको ईजिली क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, फेच कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ किसी एक स्कूल अकाउंट में, एंड वहाँ से हम चेक करेंगे कि आपने जो फेच करना है रिकॉर्ड को वो आपने कैसे करना है। देखिए यहाँ पर मैंने किसी एक स्कूल में लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट में जाकर ऐड स्टूडेंट के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड को फेच कर सकते हो। एंड देन आप फेच स्टूडेंट के थ्रू भी क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड को फेच कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ऐड स्टूडेंट पर जाता हूँ, एंड देन यहाँ से मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ देखिए हमारे पास दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ तो आप स्टूडेंट का आधार नंबर डालकर यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फेच कर सकते हो, या फिर आपके इसके पर्टिकुलर जो है इसकी एंट्री करके। यहाँ देखिए दोनों पे आपको एक वेरीफाई का बटन अवेलेबल होगा, एंड देन ये इंफॉर्मेशन को जब आप यहाँ पर फिल करोगे एंड देन वेरीफाई के बटन के ऊपर प्रेस करोगे तो वो स्टूडेंट जहाँ पे भी होगा उसकी जो डाटा होगा वो उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आधार कार्ड के बिहा पर करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक आधार कार्ड फिल किया और मैंने वेरीफाई किया। तो जैसे मैंने वेरीफाई किया, देखिए यहाँ पर आपके पास उस स्कूल की डिटेल आ गई, उस बच्चे की डिटेल आ गई। तो आपने करना क्या है कि इस स्कूल के नोडल इंचार्ज को आपने यहाँ पर कॉल करना है, एंड देन उनको बोलना है कि जो इस स्टूडेंट का जो SLC है वो आप क्या कीजिए, जनरेट कीजिए। जैसे वो SLC जनरेट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक एडिट का साइन। अगर SLC जनरेट नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर एडिट का साइन नहीं आएगा। तो पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो एडिट का साइन है, जैसे उन्होंने SLC जनरेट किया तो आपके पास एडिट का साइन आ गया। तो जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आपके सामने इसकी पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने, जैसे ये फॉर्म है ऐड स्टूडेंट का, ये फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने सिंपली बच्चे की जो हाइट वेट है वो चेंज करनी है, एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट चेंज करना है, उसकी जो क्लास है जो आपके स्कूल में वो स्टडी कर रहा है, सेक्शन है वो आपने फिल करना है, देन उसको आपने सेव कर देना है, और ये रिकॉर्ड आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है, ये बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। सेकेंडली आपने जो फेच स्टूडेंट है आप वहाँ से भी कर सकते हो। देखिए आपने स्टूडेंट डाटा में जाना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फेच स्टूडेंट का ऑप्शन। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर चेक करना है लास्ट सेशन को ही, बिकॉज हमने लास्ट सेशन के रिकॉर्ड को हमने क्या करना है, यहाँ पर फेच करना है। तो आप स्टूडेंट पर्टिकुलर से, जैसे कि स्टूडेंट का नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ से भी आप उसको क्या कर सकते हो, फेच कर सकते हो। या फिर आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अगर स्कूल ने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जनरेट किया हुआ है ई पोर्टल पे, तो वो नंबर डाल के भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर उसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से फेच कर सकते हो। और थर्ड हमारे पास ऑप्शन है आधार कार्ड के थ्रू। तो जैसे कि मेरे पास एक आधार कार्ड है, तो यहाँ पर मैं उसको क्लिक करता हूँ, और जैसे मैंने शो किया तो यहाँ पर उस बच्चे का जो रिकॉर्ड है आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐड में आपने क्या करना है, यहाँ पर शो के ऊपर क्लिक करना है, और जिस क्लास में आपने उसको वहाँ पर अपने स्कूल में उसको फेच करना है वो क्लास यहाँ मैंशन कीजिए, सेक्शन मैंशन कीजिए, एंड देन वेदर चाइल्ड इज़ होमलेस एंड मदर टंग, और आपने इसको ऐड कर देना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इस कंडीशन में क्या है कि जब आपका वो स्टूडेंट आपके स्कूल में ऐड हो गया, तो यहाँ पर आपके आपने क्या करना है, उस स्टूडेंट के जो डाटा है उसको एडिट करना है। अपने डाटा को डिसअप्रूव करवाइए और उसको अपने स्कूल का जो एडमिशन नंबर है, एडमिशन डेट है वो दीजिए, एंड देन फिर आपका वो रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। और ऐड स्टूडेंट के केस में हमारे पास क्या होता है कि आप डायरेक्ट ये फॉर्म जो है वो आपका ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा स्टूडेंट का, और यहाँ से ही आप क्या कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आपने जो रिकॉर्ड है उसको कैसे फेच करना है, और ये दोनों के दोनों मॉड्यूल आपके बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ से आप अपने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को क्या कर सकते हो, फेच कर सकते हो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू सो मच। जय हिंद।